और चलिए आपको बड़ी खबर दें मुंबई के धारावी से, जहां पर मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए गई बीएमसी के अधिकारियों का विरोध किया जा रहा है। बीएमसी की गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया गया, भारी भीड़ की मौजूदगी वहां पर और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो देखिए मुंबई का धारावी, जहां पर बीएमसी की टीम मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए गई थी, लेकिन इस बात से बेखबर कि इतने लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाएगी। और देखिए कितने लोगों की संख्या आप यहां पर देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के धारावी में, और फिर इन लोगों ने बीएमसी की गाड़ी का शीशा तक फोड़ दिया। मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं। सूरज, अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि वहां पर स्थिति जो है सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें ये बता रहे हैं कि अभी भी लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको यहाँ का विजुअल दिखा देता हूँ। ये धारावी का इलाका है और आप यहाँ देखिए कि लोग यहाँ पर खड़े हैं, और मेरी इस तरफ भी आपको दिखाऊंगा, लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, बीएमसी की गाड़ी यहाँ खड़ी है और ये धारावी पुलिस स्टेशन, क्योंकि जो जिस मस्जिद का विवाद है उसी मस्जिद के बगल में धारावी पुलिस स्टेशन है। फिलहाल धारावी पुलिस स्टेशन में कांग्रेस की नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़, शिवसेना नेता और सांसद अनिल देसाई, साथ ही डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, बीएमसी के अधिकारी, सभी लोग मौजूद हैं और हर कोई शांति से बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करता नजर आ रहा है। यहाँ पर बीएमसी का दावा ऐसा है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध है और इसी वजह से कार्रवाई करने के लिए टीमें आई हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय को इस तरह से कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि ये मस्जिद अभी एक दो साल पहले नहीं बनी है, 40 साल पुरानी मस्जिद है और जैसी थी ये वैसी अभी भी है। इसमें कुछ रिपेयरिंग्स भले किए गए हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो हर किसी के अपने अलग दावे हैं। फिलहाल इसी पुलिस स्टेशन में सारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी चर्चा चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्थिति सामान्य है। वहीं मैं आपको आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस का कितना बड़ा बंदोबस्त, आप वो भी देख सकते हैं। पुलिस भविष्य में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो, इसे देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने बंदोबस्त लगाकर रखा हुआ है। देखिए मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, देखिए ये बीएमसी की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर आई हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरह से हेलमेट पहनी हुई है, स्टिक्स है पुलिस के हाथ में, तो पुलिस सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपको एक पुलिस अधिकारी आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा, हेलमेट पहने हुए हैं, साथ में उसके स्टिक भी है। तो हर तरह से पुलिस की भी तैयारी है, लोगों का भी मानना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुँचे और इस तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर निर्माण ना हो। आपको मैं दिखा दूँ विजुअल्स में, आपको जो दिखाई दे रहा है इसी मस्जिद का फिलहाल विवाद चल रहा है, लेकिन फिलहाल धारावी में स्थिति सामान्य है, हर कोई अपने स्तर पर बात कर रहा है और कोशिश यही है कि पहले कोई नोटिस प्रशासन की तरफ से यहाँ के लोगों तक पहुंचा था, ये मामला कब से संज्ञान में लाया गया, कब से मामला सामने आ रहा है और क्या अब अगर देखा जाए जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि लोग वहां पर बातचीत कर रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है कि मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ा जाए, तो अब किस तरीके से आगे प्रशासन की टीम इन लोगों को समझाने में कामयाब होगी? देखिए ये तर्क का विषय है, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएमसी का दावा क्या है। जी आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और ये मस्जिद कितनी पुरानी है? सर हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, मस्जिदें यहाँ पुरानी है। दूसरी बात है कि अभी यहाँ DRP रीडेवलप होने जा रहा है, सब सर्वे चल रहा है, तो उसके पहले ये सब करने की क्या जरूरत है? रोड पे नमाज पढ़ते थे हम लोग, रोड पे नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के अंदर तीन तीन जमातें मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सर्वे हो रहा है उसमें लीगल अनलीगल क्या है वो सब क्लियर हो जाएगा, डेवलप होने जा रहा है। तो शासन से हमारी गुजारिश है कि ये सब मत करो, हमारा खुद ही रीडेवलप होने जा रहा है सारी चीज़ें। मैं एक स्थानीय से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि एक साल पहले भी नोटिस आई थी, उस वक्त भी बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह की मस्जिद अभी है वैसी ही कई सालों से है। ये सर आज से नहीं है, लगभग 40 साल से ये मस्जिदें हैं। आपको बता दूं कि नोटिस तो पूरे धारावी के ऊपर है, आप पूरा धारावी अनलीगल है, तो कितने को आप तोड़ेंगे? सवाल ये है कि आपको तोड़ना है तो पहले आप सलम से चालू कीजिए, चार माला पांच माला सलम को चालू कीजिए, हम लोग खुद कम कर लेंगे। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी सुरुजा, आप रहिए हमारे साथ।